मालवानी गुजराती स्कूल के सामने खुला अदानी लाइट बिल कलेक्शन सेंटर, जिसका उद्घाटन किया महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री श्री असलम शेख ने। अदानी लाइट बिल कलेक्शन सेंटर खोलने की क्या आवश्यकता, इसका जवाब दिया वार्ड क्रमांक 48 की नगर सेविका सलमा सलीम मलमिलकर ने। सोशल मीडिया पर जनता के काफी सवाल वायरल हो रहे थे, जिसमें से एक सवाल यह है कि जब ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं तो लाइट बिल कलेक्शन सेंटर खोलने की क्या आवश्यकता है। दूसरा, जनता की यह मांग कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट को कम करके दिखाओ या हमारा बिल माफ किया जाए। आज हमारी टीम उस अदानी लाइट बिल कलेक्शन सेंटर पर पहुंची न्यूज कवरेज करने के लिए, लेकिन वह सेंटर बंद था। लोगों ने बताया कि इसका सर्वर डाउन है, इसलिए आज बंद है, लेकिन वहां के काफी लोगों ने हमारी टीम को यह बताया कि सेंटर खुलने से उन्हें बहुत आसानी हो गई है। पहले मलाड जाना पड़ता था लाइट बिल भरने के लिए, अभी हमारा वक्त भी बच रहा है, टाइम भी बचना है, तो वहाँ की जनता में खुशी की एक लहर है। हाल ही में वार्ड क्रमांक 48 जहाँ पर अडानी सेंटर का उद्घाटन हुआ है, किस कितना इसमें प्रयास लगा है, बात करते हैं। स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस पे। जो अडानी सेंटर आपने खोला, इसमें आपने कितना प्रयास, कितना जतन किया? ये अडानी सेंटर है, छोटा काम नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा ही काम है। लेकिन मैं समझा हूँ कि गरीब तबके के जो लोग हैं, स्लम एरिया के हिसाब से, मेरा स्लम मैडम का जो एरिया है, वार्ड नंबर बोलिए, वो बड़ा स्लम है। और ऐसे देखा जाएगा तो उससे भी वार्ड अगर मिलाते हैं हमारे 134 तो भी बहुत बड़ा वार्ड है अपना। आजमी नगर है, अम्बुजा वाड़ी है, वहाँ पे लोग पढ़े लिखे लोग कम रहने की वजह से आजकल ऑनलाइन पे भी हो जाता है, भर सकते हैं लोग, लेकिन ऑनलाइन में वो लोग भर सकते हैं जो लोग पढ़े लिखे, जो मोबाइल चला पाते हैं, और मैं और जिसके पास बच्चे आजकल, मैं समझता हूँ मेरे को तो कुछ मोबाइल चलाने नहीं आता, लेकिन बच्चे को देने के लिए बच्चे एकदम इतने स्पीड है कि वो खुद ही स्पॉट में कर सकते हैं। लेकिन हम जिसके पास पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों का एक टाइम भी बचा और उनके एक पैसे भी बचे, और गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत है। हमारे यहाँ गरीब तबके के लोग हैं और उनका टाइम भी बचता है, कोई काम पे जाने वाले रहते, कोई किधर जाने वाले, लाइट बिल भरने को मलाड जाना पड़ता था, चारकोप में जाना पड़ता था, तो इसके वजह से हम लोग ने सोचा कि नगर सेवा का काम है तो लोगों को अच्छा सुविधा देने की, तो मैंने इधर बिल कलेक्ट करने का, अदानी का भरने का भाजी मार्केट के बाजू में बनाया है, तो आप लोग सब लोग इधर नजदीक है भर के जाने का। और जिसका बैंक में अकाउंट नहीं रहता है तो कोई बेचारे ऑनलाइन नहीं करना पड़ता है, और जिसको पढ़े लिखे हैं वो ही कर सकते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे तो बेचारे क्या करेंगे, तो इसके वजह से हम लोग ने ये बिल भरने का नसीब किया है। और तो जिसके पास अकाउंट नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे, और जो भला जो दूर दूर जाते हैं यहाँ से भरने के लिए, काफ़ी लंबी लाइन लगाना पड़ता है, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे सहूलत मिलने वाली है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पहले लाइट बिल हम लोग है ना लिबर्टी गार्डन में भरते थे, अभी 7 नंबर मालवनी गेट नंबर 7 में भाजी मार्केट में लाइट बिल भरने का सलीम भाई ने, नगर सेवक ने बनाया हमारे लिए। तो क्या लगता है आपको, ये आसानी हो गई? आसानी हो गई और अच्छा हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। करते हैं कि जो अडानी सेंटर खुला है यहाँ पे, किस तरह की सहूलत पब्लिक को पहुँची है, क्या कहना चाहेंगे? सहूलत तो है, पब्लिक तो आ रही है, क्योंकि जहाँ आस पास के रहते उनके लिए आसानी होगा ना, वरना मलाड जाना पड़ेगा ना कहीं दूर जाना पड़ेगा, नज़दीक है, टाइम बचेगा, पैसा उनका वक्त बचेगा, तो नज़दीक नज़दीक आस पास हो जाएगा यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे आप? बोल कंपनी होना चाहिए लाइट के बिल, कम से कम जनता परेशान है। अच्छा, आपका कहना है कि लाइट बिल कम होना चाहिए या माफ़ होना चाहिए, और जो लेकिन यहाँ पर जो ये सेंटर खुला है इससे आपको आसानी होगी? लाइट बिल कम भी होना चाहिए वही हिसाब से, और कुछ नहीं, लाइट बिल बहुत आता है हर महीना, जो मंगता है बिल दे देते अदानी वाले। ठीक है, ठीक है।